नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं रेड मिल बिजनेस के बारे में, रेड मिल बिजनेस मॉडल के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए रेड मॉल बिजनेस एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करके आपने साइनअप किया हूँ मैं सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के और एक नाम डाल के साइनअप कर लिया। मैंने अभी केवाईसी नहीं किया हूँ। क्यों नहीं किया? केवाईसी इसका आधार ओटीपी के अगेंस्ट होता हूँ। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, आप वीडियो लास्ट तक बने रहिए। चलिए इसके सर्विसेज के बारे में मुझे बताना है वन बाय वन करके। चलिए सबसे पहले आपको मिल जाते हैं यहाँ पे कॉमर्शियल लोन, ठीक है। एक नंबर पे देखते हैं, देख सकते हैं कॉमर्शियल लोन पे मैंने क्लिक किया, देख सकते हैं यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, लोन अगेंस्ट जो भी है, सिक्योरिटी है, कार लोन है, ओवरड्राफ्ट लिमिट है, ठीक है। चलिए इसको बैक करता हूँ मैं। उसके बाद आपको होम लोन की सर्विस मिल जाती है, उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंट लोन की सर्विस मिल जाती है, डिजिटल बिजनेस लोन, डिजिटल पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं जिसको सिविल स्कोर बोलते हैं, फास्टैग की सर्विस। उसके बाद मैंने नीचे का था थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे देख सकते हैं आधार एटीएम, इनको एपीएस सेवा बोलते हैं, एपीएस, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया, इस पर क्लिक करने आपको मिल जाते हैं बैलेंस इंक्वायरी, कैश विदड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, ठीक है। और यहाँ से इसको क्लिक करके कमीशन स्ट्रक्चर देख सकते हैं कितना कमीशन मिलता है। इस पर टच नहीं हो रहा, सॉरी, दिखा देते हैं। फिर आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है, बैलेंस इंक्वायरी पर टच कीजिए, देख सकते हैं यहाँ पर टिक हो गया है। उसके बाद प्रोसीड पर टच किया, प्रोसीड पर टच करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ई केवाईसी करने बोला मेरा आईडी के साथ, देख सकते हैं यहाँ पर आधार नंबर डाल के से नोटिफिक करके आधार ओटीपी से ई आईडी को मैं ई केवाईसी कर सकता हूँ। चलिए मुझे ई केवाईसी नहीं करना, बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद आपको मिल जाते हैं यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र की सर्विस, माइक्रो एटीएम, सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करेंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इंडिविजुअल करेंट अकाउंट, बाय नाउ पे लेटर। यहाँ फ्री रिचार्ज ऐप के साथ आपको पे लेटर मिल जाते हैं, पहले रिचार्ज बिल पेमेंट कीजिए, बाद में इसका क्रेडिट कार्ड जैसा होते हैं लिमिट, इसका लिमिट मिलते हैं, अब यूज़ कीजिए, बाद में पे कीजिए। चलिए उसके बाद पेमेंट सर्विस पे जाते हैं, आपको मिल जाते हैं एक्सेप्ट पोस्ट मशीन, एसएमएस पेमेंट, एसएमएस के थ्रू पेमेंट रहती है, यहाँ से हिसाब किताब कर सकते हैं। और यहाँ पे आधार पे की सर्विस मिल जाती है इस आईडी के साथ, बहुत बड़ी सर। उसके बाद यहाँ पे है म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, डीमेट अकाउंट खोल के अच्छा खासा कमा सकते हैं, यहाँ पर डीमेट अकाउंट का भी ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए और नीचे देखते हैं, आपको पैन कार्ड का सर्विस मिल जाते हैं यूटीआई से, लीगल सर्विस मिल जाते हैं, लीगल सर्विस मैंने क्लिक किया, देख सकते हैं इसमें इतना सारा सर्विस मिल जाते हैं, जीएसटी फिलिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आईटीआर फिलिंग, बिजनेस कंपनी इन्फॉर्मेशन, देख सकते हैं इस तरह एमएसएमई, डिजिटल सिग्नेचर, इतना सारा सर्विस मिल जाते हैं। इसमें बहुत सारा सर्विस आप बिगड़ आईडी लिया हुआ भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे जीएसटी, आईटीआर, एमएसएमई। उसके बाद मोबाइल रिचार्ज मिल जाते हैं, मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करके देखता हूँ, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से बिना केवाईसी किया हुआ भी एड मनी करके आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। एड मनी पे क्लिक किया, यहाँ से अमाउंट डाल के पे फोन पे गूगल पे से, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट डाल देता हूँ, क्लिक किया, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फोन पे गूगल पे यूपीआई से लोट ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने बैक करता हूँ, बैक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे डीटीएच, फास्टैग रिचार्ज, होटल बुकिंग, बस बुकिंग, रेलवे टिकट, फ्लाइट टिकट, इतना सारा सर्विस मिल जाते हैं। बिल पेमेंट पे जाते हैं तो आपको एक नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बहुत सारा स्टेट का, ठीक है। उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे गैस बिल पेमेंट के साथ वाटर बिल, एलपीजी, लाइट लाइन, केबल टीवी, ब्रॉडबैंड, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, लोन रीपेमेंट, क्रेडिट कार्ड, हॉस्पिटल, देख सकते हैं इतना सारा सर्विस आपको मिल जाते हैं इस आईडी के साथ। बट जो मैंने इसको आईडी साइनअप किया, साइनअप करने के बाद इसका जो सपोर्ट नंबर है उन पर बात किया, आईडी एक्टिवेशन चार्ज इसमें बताया गया 770 रुपये, जो मुझे नवंबर में बताया गया 700 कुछ रुपये बताया गया, 70 रुपये हो या ना हो कुछ 700 कुछ रुपये बताया गया था नवंबर में ही। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 2 दिसंबर को, लगभग 7-8 दिन बाद बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। और इसमें बहुत सारा सर्विस है, ठीक है, अगर को आपको लगता है इसका सर्विस लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको वीडियो बनाने और सर्विस दिखाने के लिए मैंने आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके मैंने साइनअप किया, हालांकि मैं क्या भाई इसको सर्विस मुझे अच्छा खासा लगा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग अपना डिसीजन खुद से लें,
क्योंकि मैं 770-700 कुछ रुपए में नहीं कटाना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारी कंपनी का आईडी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अभी चल रही है 2021 के आसपास, 22 तो होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड कर लें, मेरे सर्विस बताने का काम था, मैंने बता दिया। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।